हेलो प्लैनेट एक्स, तुम यहाँ हो? चुप, थोड़ा धीरे बोलो। अरे पर क्यों, हम उसे यहाँ ढूंढने के लिए आए हैं ना। हाँ, लेकिन स्पेस में मौजूद बाकी की चीजें जैसे एक्सोप्लैनेट्स या फिर ब्लैक होल्स ने हमें सुन लिया तो? यूरोपा, मैं इस बात की दाद देता हूँ कि तुमने जुपिटर के ज्ञान को अच्छे से सुना है, लेकिन वो सब यहाँ आसपास भी नहीं होंगे। तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमारा ये अंतरिक्ष बहुत विशाल है। सबसे करीबी ब्लैक होल हमसे 1560 लाइट ईयर्स दूर है। क्या पता वो भी हमारे लिए ही कर रहे हो। ये पूरा का पूरा तुम्हारा आइडिया है यूरोपा। खैर, अब हम अपने सोलर सिस्टम से तो बाहर है ही। तो ऐसा नहीं है गैनेमीड। क्या, हम काइपर बेल्ट को पीछे छोड़ आए हैं, वही तो हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है ना। नहीं, उसके बाद भी बहुत सारी खाली जगह है। उसके बाद आता है ओट क्लाउड, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और उसके बाद बहुत सारी खाली जगह। तो क्या हम वहाँ जा रहे हैं? तुम्हें किसी बात का पछतावा है? मुझे? हाँ। और तुम्हें? नहीं, हमें जो करना था वो हमने किया है ना। हाँ, पता नहीं हम लौटेंगे या नहीं। तो ये है हमारे मून्स क्लब की दूसरी मीटिंग। सोलर सिस्टम के मुकदमे को खत्म हुए कुछ हफ्ते बीत चुके हैं, क्या किसी के पास कोई अपडेट है? चीजें बेहतर हुई हैं। अब जुपिटर सभी मून के नाम याद रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गैनेमीड और यूरोपा के चले जाने के बाद से वो थोड़ा अजीब बर्ताव करने लगा है। अच्छा अच्छा, समझ गया। खैर, इस बारे में बात नहीं करते है ना? उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने मून्स को एकजुट रखा, उस मुकदमे में हमारी अगुवाई की, उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बस भी करो, ऐसा तो नहीं था कि वो दोनों निर्दोष थे। दूध के दूल्हे ना हम हैं और ना ही वो प्लैनेट्स। उन दोनों को बस बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि उनको कठिन सजा सुना दी गई, लेकिन ये फैसला सन ने लिया, अब इसमें हम क्या करें? आखिरकार सन कौन है जो उन्हें इतनी बड़ी सजा सुना दे? वो सन है टाइटेनिया। तुमने उनका आकार नहीं देखा? अब ये आकार बीच में कहाँ से आ गया? हम मून्स हैं, मून्स। हम भले ही आकार में छोटे हैं, लेकिन हमारे बिना इस सोलर सिस्टम का गुजारा नहीं हो सकता। एक मिनट, कहीं तुम सब फिर से? हम प्लैनेट की मदद से सन से गुजारिश कर सकते हैं कि गैनेमीड और यूरोपा को माफ कर दे। आयो, तुम कहाँ जा रहे हो? अब जब हमने फैसला कर ही लिया है कि हम यूरोपा और गैनेमीड को माफ करने के लिए सन के पास जाएंगे, तो उन्हें सोलर सिस्टम के बाहर जाने से पहले उन्हें रोकना ही होगा। तो तुम उन्हें रोकने जा रहे हो आयो? वो भी तो हमारे लिए ऐसा ही करते। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? कमिटमेंट करने के बाद मैं किसी की नहीं सुनता। तुम्हारी मर्जी, देख लेना आखिर में तुम गलत साबित होगे। तब के तब देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों काइपर बेल्ट के पार किसी को ढूंढने जा रहे हो, क्या मैं भी चलूं? तुम्हारी मर्जी। हाँ, ट्राइटन, आप फिर से हमें अकेला छोड़कर तो नहीं जा रहे ना? दोस्तों, इस बार मैं जल्दी लौटूंगा, इन्हें मेरी मदद चाहिए। लेकिन तुम सब टाइटन और लूना के पास रहना, ठीक है? मैं जल्दी वापस आऊंगा। रुको, हमने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए इस वीडियो को रोक दिया है। वीनस, ज्वाइन पेट्रियन, वरना गुस्सा आ जाएगा। अरे नहीं वीनस, चलो मैं ही बताता हूँ। सोलर बॉल्स की टीम में बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं, जिनमें डायरेक्टर्स, एनिमेटर्स, वॉइस एक्टर्स शामिल हैं, जो दुनिया के अलग अलग कोने से हैं। और आप मानो या ना मानो, ये सब काफी मेहनत का काम है, समझ गए ना? ज्यादा से ज्यादा वीडियोस और नए कैरेक्टर शामिल करने के लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ती है, और ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, इसलिए सपोर्ट करो। मतलब अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन हाँ, जब से हम पेट्रियन पर आए हैं, हमने शॉर्ट वीडियोस की बजाय मून्स की क्रांति जैसी शानदार लॉन्ग सीरीज बनाई, और सच कहें तो आपकी सपोर्ट से हम ऐसे ही शानदार आइडियाज को हकीकत में बदलते रहेंगे। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। देखना चाहते हैं हमारे वीडियोस एक हफ्ता पहले, या चाहिए गिफ्ट्स, या पेट्रियन एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्टर भी बन सकते हैं, तो आप हमारे पेट्रियन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इससे ज्यादा प्यार नहीं बांट सकता। बस इतना ही काफी है, चलो अब वीडियो पर वापस चलते हैं। हम दोनों कब से आगे बढ़ रहे हैं, मैं थक गया हूँ। बताइए यूरोपा, ये तो सन और नेपच्यून की दूरी से भी 3 गुना ज्यादा लग रहा है। अभी और भी आगे जाना होगा हमें। क्या कहा, तुम मजाक कर रही हो ना?
क्या लगता है हम ओट क्लाउड से कितना दूर होंगे? तुम्हें सन और नेपट्यून की बीच की दूरी याद है? हाँ। बस उसे 100 से गुना कर दो। और कितना मजाक करोगी, सच में इतनी दूर? इतनी दूर जाने से तो हम किसी और सोलर सिस्टम में जाके टकरा जाएंगे। नहीं, इतनी दूर जाने के बाद भी हम सबसे बड़े करीबी तारे से बहुत दूर होंगे। स्पेस सच में बहुत ही विशाल है। मुझे तो सोच कर ही चक्कर आ रहे हैं। गैनिमेड, तुमने पछतावे के बारे में पूछा था? हाँ, पर क्यों? पता नहीं यार, दरअसल हमने जो भी प्लान बनाए वो हम पर ही भारी पड़ गए और अब हम यहाँ सजा भुगत रहे हैं, तो हमें कुछ तो पछतावा होना चाहिए। मेरा मतलब क्या? एक बार प्लैनेट एक्स को ढूंढ लें, फिर बता पाएंगे कोई पछतावा है या नहीं। ओके, मेरे पास 2 डायमंड्स हैं। इसका मतलब है मेरे सारे पॉइंट्स तुम्हारे और तुम्हारे सारे पॉइंट्स मेरे। लेकिन तुम तो जीत रहे थे। इस गेम में पॉइंट्स भी हैं? तत तेरी की, ये गेम बहुत अजीब है। गाइस गाइस सुनो, काफी जरूरी बात है। सुनो, मेरी बात पर ध्यान दो। मार्स, बोलो बात क्या है। तो याद है मैंने कहा था कि जुपिटर बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं? हाँ। मैंने उनकी बातें सुनी और जुपिटर सैटर्न से कह रहे थे कि उन्होंने सालों पहले कुछ बहुत बुरा किया था। जुपिटर हो ही नहीं सकता, वो कभी बुरा कर ही नहीं सकता है। हाँ, शायद तुमने सुनने में कुछ गलती कर दी। मैंने कुछ गलत नहीं सुना। हेलो मार्स। क्या हुआ फोबोस और डेमोस? सॉरी, हमारे साथ शामिल होना क्या हो गए? हम सन को गैनिमीड और यूरोपा को माफ करने की रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। अरे नहीं, फिर से। अरे यो कैलिस्टो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम गैनिमीड और यूरोपा को ढूंढने निकले हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। रुको, तुम अब देखो, सन को यह अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने 2 और मून्स नहीं गवाना चाहता। आप चिंता ना करें गुरुजी, हम सन के पास जा रहे हैं ताकि वो अपने फैसले को वापस लें पूरी तरह से। रुको, क्या कहा? इन्हें इकट्ठा करना आसान था। इकट्ठा किसके लिए दोस्त? बस जुपिटर और सैटर्न का पीछा करो, तुम सब कुछ समझ जाओगे। कोई भी हमें साफ साफ कुछ नहीं बताता है। मुझे तो यही पसंद है, हर पल कुछ नया देखने को मिलता है। ज्ञान मत दो मुझे। क्या क्या? अरे ओह ओह नो, यूरोपा। बस बस कुछ और दिन गैनिमीड। यूरोपा, क्या हुआ? तुमने मुझे डरा ही दिया गैनिमीड। हमारी आंख लग गई थी, पता है हम कितने समय से ऐसे ही भटक रहे थे। अरे अरे नहीं। हाँ, शायद हम प्लैनेट एक्स से काफी दूर निकल आए हैं। सारी मेहनत बर्बाद हो गई, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमें ओट क्लाउड की तरफ आगे बढ़ना होगा और इस सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए बाय। क्या क्या हुआ? क्या तुमने महसूस किया? क्या? ओ ओ, ओ ए, अरे हाँ, ग्रेविटी। ये क्या? हे, तुम कौन हो? मैंने सदियों अकेले बिताए हैं, शायद मेरा भी एक नाम था, अब याद नहीं, या शायद कोई नाम था ही नहीं, लेकिन तुम मुझे बुला सकते हो प्लैनेट एक्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों, और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं, तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।